इंडिया न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। बालाघाट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नगर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर लोग नए नए अंदाज में अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां इन दिनों नगर में युवा लड़कियों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्यापारियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इन दिनों 22 से 25 साल की इन दो युवतियों के चर्चे शहर में जमकर हैं। इन दिनों 22 से 25 साल की इन दो युवतियों के चर्चे शहर में जमकर हो रहे हैं। करीब 25 वर्ष की दो युवतियां मुंह पर मास्क और दुपट्टा बांधकर व्यापारी की दुकान में जाती हैं और उन्हें अपनी आंखों से सम्मोहित कर दुकान का सामान खरीद कर चली जाती हैं। जब सम्मोह का असर उस दुकानदार की आंखों से उतरता है तो दुकानदार को ठगी होने का एहसास होता है। नगर में यह घटना 8 से 10 व्यापारियों के साथ घट चुकी है और इन युवतियों द्वारा सम्मोह का खेल पिछले 8 से 10 दिनों से लगातार चला जा रहा है। हालांकि यह युवतियां कौन हैं, कहां से आई हैं और इनकी आंखों को देखकर लोग कैसे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन नगर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरा में दोनों युवतियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। ठगी के शिकार हुए दुकानदारों ने युवतियों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर इन युवतियों से बचकर रहने की, उनके साथ किसी भी प्रकार के व्यापार न करने की अपील की है। सम्मोहित करने वाली यह दोनों युवतियां केवल दुकान संचालकों को ही अपना शिकार बनाती हैं। बताया जा रहा है कि अब तक इन दोनों युवतियों ने कुछ किराना व्यापारी, कुछ सब्जी विक्रेता, कुछ कबाड़ व्यापारी सहित कपड़ों के विक्रेताओं को अपना शिकार बनाया है। उक्त दोनों युवतियां दुकान में जाकर पहले तो सामान खरीदती हैं और फिर बिल बनवाकर सामान पैक करवाती हैं। उसके बाद अपना गलत मोबाइल नंबर और फर्जी एड्रेस देकर थोड़ी देर बाद पैसा लेकर दोनों की यह बात कहती हैं कि दुकानदार भी इन अनजान युवतियों को बिना झिझक के 10 से 20 हज़ार रुपये का सामान दे देते हैं और बिना पैसे दिए ही युवतियां दुकान से चली जाती हैं। समूह के असर में दुकानदार चाह कर भी उनसे सामान देने से मना नहीं कर पाता है। ऐसे हादसे नगर में 8 से 10 व्यापारियों के साथ हो चुके हैं, लेकिन लोग लाज के चलते अब तक किसी भी व्यापारी ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। लक्ष्मी हल्दर, मैं मोती नगर में रहती हूँ और मेरा तन्वी बुटीक से मेरा बुटीक चलता है और मैं 17 साल से कर रही हूँ और मैं वहाँ पर मतलब कुर्तीज़ और सूट भी सेल करती हूँ। मेरा मतलब 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ दो लड़कियाँ आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है, तो मैंने उनको एक रूम में बैठा दिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बुलाया कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के, तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा था, सेल करने का है कि स्टिच करने का है, तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या, तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कुर्ती पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने के। तो उसके बाद से मैं आई हूँ।